गाइस देख सकते हैं बहुत भयंकर बारिश हो रही है अभी। और हमारे टीम के सबसे छोटा भोले, सबसे छोटा भोले यही हमारा। वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज है सेकंड लास्ट सोमवार, तो आज हम लोग आए भी गोमती उद्गम स्थल पे एंड यहां से हम लोग ले जाएंगे गाइस, यहां से अब हम लोग गंगाजल उठाएंगे गोमती उद्गम स्थल से, फिर यहां से ले जाएंगे पूरनपुर में और वहां जाके शिव जी पे अर्पित करेंगे। तो भाई हम लोग पूरी टीम आए अपने, अब पूरी टीम से अब इंट्रोडक्शन करवाते हैं अब लोगों की। कहाँ गए सभी, कहाँ गए हो गए? और देखो कितने मस्त बारिश हो रही है अभी, देखो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत तगड़ा वाला बारिश हो रहा है, तगड़ा। गाइस देख सकते हैं बहुत भयंकर बारिश हो रही है अभी और हम लोग तो पूरा ही भीग गए, जितने लोग आए थे सब आते रास्ते में स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे आरती करने के लिए बना दिया गया, देखो यहाँ पे शाम की आरती होती है, डेली होती है और बहुत मस्त होती है यहाँ पे आरती। और देखो यहाँ पे सभी लोग हैं, तो गाइस ये रही हमारी टीम पूरा। और यहाँ पे देखो सभी यहीं पे खड़े हैं, जा रहे से भी हम लोग अभी पूजा करने एंड फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये है गोमती माता मंदिर, तो भाई अभी हो रही गोमती मैया की आरती चल रही है यहाँ पे, तो अभी आरती करके हुए हम लोग अभी यहाँ से जल उड़ाएंगे, फिर यहाँ से सीधे पूरनपुर चलेंगे। तो गाइस जल उठा रहे हैं यहाँ से, बम बम बोले। भाई अपने अपने मोटरसाइकिल भैया आगे रख लियो सब लोग, ठीक है, मोटरसाइकिल आगे आगे रखना। तो गाइस जा रहे सभी अभी जल्दी से आगे जाकर मोटरसाइकिल खड़ी करने, क्योंकि यहाँ पे पीछे कुछ लोग दौड़ के जाएंगे और सामने मोटरसाइकिल चलेंगे, जो लोग थक जाएंगे वो मोटरसाइकिल पे बैठ जाएंगे, तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि आज मौसम भी बढ़िया है, बारिश भी हो रही है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। गाइस फाइनली हम लोगों ने जल भर लिए और अब सीधे चलते पूरनपुर एंड कुछ लोग आगे बाइक चलाएंगे और पीछे कुछ लोग दौड़ते हुए जाएंगे, जिनके हाथ में वो रहेंगे बोतल जिसमें पानी भरा हुआ है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधे। तो गाइस ये रही भैया, इन्होंने ही सबको आज बोला था कि हमें चलना है, आज सेकंड लास्ट सोमवार है। बस भाई पिछली बार बंडा रोड पे कॉलोनी में डैनी भाई हमारे और सभी भाइयों ने डाक कवर की थी, उन्होंने हमें बुलाया था, हम पहुँचे पिछली बार डाक कवर की, बहुत आनंद हुआ। और सावन चल रहा है, जितना पुण्य कर लो वो भी श्रेष्ठ है, तो बस इस सावन इस सोमवार को हमें भी सेवा मिली है बाबा की, और हम लोग भी डाक कवर करके उसी सेवा को निभा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बाकी सभी भाइयों से एक ही विनती है कि दुनिया में सिर्फ हमारा ही धर्म है जो अपना धर्म भूलता जा रहा है, अपने धर्म पे रहोगे भाई तो कोई नहीं दबा पाएगा, कभी अपना धर्म मत भूलो, गौ सेवा सनातन सेवा हमेशा परमो धर्म है। राधे राधे। कहीं जब घर से आ रहा था, मम्मी ने गंगा जल और बेलपत्री वगैरह दे दिए थे, फूल वगैरह कनेर के पुष्प वगैरह, तो मम्मी ने बोला था कि वहाँ आके बिल्कुल चढ़ा के आना, तो अभी
भी वहीं जा रहे हैं हम लोग, वो लोग तो निकल गए हैं, थोड़े टाइम में हम भी निकलेंगे। गाइस फाइनली हम लोगों ने अभी पूजा कर ली है और अब चलते हैं। अब देखो भाई पूरा भीग गया एकदम, है ना, अभी भी बारिश हो रही है, अभी बारिश रुकी नहीं है, तो वो लोग तो निकल गए एंड देखते हैं कहाँ तक पहुँचा मैं, जल्दी से जाकर उनको पकड़ना है। चाबी कहाँ रख दिया बाइक के? गाइस आ जाओ भैया, आ जाओ, चलाओ स्पीड से। और गाइस ग्रुप के साथ जो मजा आ रहा है ना भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बढ़िया मौसम है आज, मस्त है एकदम। और पूरे रास्ते आज भीड़ के बाद, सोमवार है, सेकंड ला सोमवार, तो बहुत सारे लोग आए भी हैं। हम मुश्किल से 20 से 25 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पूरनपुर पहुंचने में, इतनी स्पीड से दौड़ रहे भाई। सौरभ भाई, सो गाइस देख सकते हैं काफी तेजी से जा रहे हैं, कम से कम मुझे लगता है 20 मिनट में हम लोग पूरनपुर पहुंच जाएंगे, इतना स्पीड से दौड़ रहे हैं सभी। और ये पूरा हमारी टीम है, देख सकते हैं आप लोग, सभी आर्मी के जवान हैं। आराम आराम से भाई, बम बम भोले। और बारिश भी हो रही है, मौसम भी बढ़िया है एकदम, भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर फुल है एकदम, और सारी टीम है ये। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग आगे आगे लोग लेके बाइक से उनको छोड़ रहे हैं, काफी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आज का मौसम भाई बहुत अच्छा है। और वे देखो सब कितने दूर दूर तक एकदम फैला हुआ है, 500 मीटर तक एकदम दूर दूर फैला हुआ है। और अब हमारे मामा दौड़ने वाले हैं, हर हर महादेव। फाइनली लेके आगे कावर जल, और अभी यहाँ पे इस वाले मंदिर का हम आरती करेंगे पीछे है, तो अभी चलते हैं जल्दी से। और इसको लेकर रुकना नहीं है भाई, चलते रहना, इसलिए हम सब ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे राउंड लगा के। बोले 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 सच्चे दरबार के लोग हर काश अबे भाई, विपदा हर संकट हर 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 महादेव। छोटे भोले, हमारे टीम के सबसे छोटा भोले, सबसे छोटा भोले यही हमारा, ठीक है भैया। फाइनली शिव जी को जल अर्पित कर दिए और अभी हम लोग को प्रसाद वितरण हो रहा है, ये देखो मुझे पूरी बनाए मस्त एकदम। और चलो अब जल्दी से मैं भी लेता हूँ, क्या क्या दिखाऊं, अरे तेरे को खाने का भी वीडियो बना दूं, यही काम रहेगा मेरे पास। वाओ चप्पल, मोटरसाइकिल की चाबी कहाँ हमारी वाली? गाइस फाइनली ये सारे हमारे कावर यहाँ पे इकट्ठा हो गए
और देख इतने सारे लोग गए थे हम लोग। बोल जयकारा वीर बजरंग बली का, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, जय श्री राम भाइयों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरनपुर में हमारे सभी सनातनी भाइयों ने जलाभिषेक यात्रा करी थी हमारे संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से, जिसमें सभी सनातनी भाइयों ने हिस्सा लिया था और वो यात्रा लगभग 6000 भाइयों की हुई थी, जो कि पूरनपुर में अपना ही एक इतिहास था। उसके बाद हमारे डैनी भाई ने सोमवार को जलाभिषेक यात्रा करी थी और इसी उन्हीं की यात्रा को देखते हुए इस सोमवार को हमने भी ये सोचा था कि अपनी जलाभिषेक यात्रा ही भोले बाबा के लिए करेंगे। और सभी भाइयों के मदद से, सभी भाइयों की भक्ति से हमारी यात्रा बहुत ही सुखदायी हुई, बहुत ही मंगल तरीके से पूरी हुई। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।